अरे रुको, ये फूल लेकर ऊपर क्यों जा रहे हो? इन्हें तो मंदिर में रखवाना है। आओ। मनु। जी भाभी जी। सारा सामान आ गया ना? हाँ भाभी जी। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं भाभी जी, कुछ नहीं छूटा है। मैंने खुद लिस्ट दो बार चेक कर ली है। पर भाभी जी, आपने मिठाई तो मंगाई नहीं। By chance, मिठाइयां मंगाने की क्या जरूरत है? ये गृह लक्ष्मी है ना, इसमें मिठाइयों की रेसिपी दी है, यही देख के बना लेना। हाँ हाँ कांता, मालूम है, तभी तो मैंने महाराज को यही रेसिपीज पढ़कर मिठाइयां बनवाने के लिए कहा है। जाओ तुम अपना काम करो। जी भाभी जी। अपरा, पंडित जी को खबर कर दी ना। जी बुआ जी, पंडित जी वक्त पर पहुंच जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, मैं और संध्या सब कुछ संभालेंगे। हाँ वो तो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सब कुछ अच्छे से संभालोगे, लेकिन क्या करूँ, माँ हो ना, इसलिए डर लगता है कि सारी तैयारियां ठीक से होंगी कि नहीं होंगी। हर माँ की तरह मेरे भी कई अरमान थे कि बेटे की शादी की हर रस्म अच्छी तरह से पूरी करूं, लेकिन अक्षर इतनी जल्दबाजी कर रहा है। बुआ जी, अभी तो सिर्फ रोका ही हो रहा है, शादी के वक्त आप अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। माँ, मैं अभी आई। अक्षर बेटा, नताशा के चाचा चाची कब तक आ रहे हैं? बात थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे फोन पे बात हुई, दिल्ली से उनकी फ्लाइट टाइम पर है, इसलिए रोके से पहले ही वो लोग पहुंच जाएंगे। चलो अच्छा है, उसके परिवार से कोई तो आ रहा है। तनु, अनय और छोटी कहाँ है? चाची, छोटी और अनय भैया बाहर लॉन में है। अरे तुम लोग अभी तक रोका सेरेमनी के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? हम में से किसी का भी रोका सेरेमनी के लिए तैयार होने का मन नहीं है, वो नताशा आन। तनु, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या करें, मन मार कर तैयार तो होना पड़ेगा ना, वरना दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इस सेरेमनी में शामिल होना ही पड़ेगा। चाची, वो नताशा आंटी को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। तनु, गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन तुम्हारे गुस्से के इलाज के लिए तुम्हारे अक्षर चाचू ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। केक। वाव। वाव। अक्षर चाचू, ग्रेट है। देखा गुस्सा कैसे गायब हो गया, अब जल्दी से इन स्केट्स को पहनो और एंजॉय करो। नहीं चाची, मैं रोका सेरेमनी खत्म होने के बाद ये स्केट्स पहनूंगा। तनु, सेरेमनी की तुम चिंता मत करो, उसे तो शुरू होने में अभी टाइम है ना। पर चाची, माँ अलाउ नहीं करेगी। ओफो, दीदी को मैं मना लूंगी। चलो अभी तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, स्केट्स पहनो और फिर मजे करो। ओके ओके चाची। अब मैं छोटी और अनय को भी तैयार होने के लिए मनाती हूँ।